आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ रागनी पांडे। चीन और भारत के बीच संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है। इसी क्रम में रविवार को चीन ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि उसे चीन अमेरिका विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ने भारत को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि इसमें दखल देने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन और अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बाद से शुरू हुआ ये विवाद दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स से छपे एक लेख के मुताबिक चीन ने कहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत सरकार को इस कोल्ड वॉर में एक पक्ष के समर्थन में खड़ा होने के लिए कह रही है, जिससे इस स्थिति का वो लोग भी फायदा उठा सके। ऐसी शक्तियां भारतीय सरकार के आधिकारिक स्टैंड से संबंध नहीं रखती हैं और चीन के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाह फैला रही हैं। अगर स्पष्ट कहा जाए तो चीन अमेरिका विवाद में भारत का फायदा बेहद कम लेकिन नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। इसी के चलते मोदी सरकार इस कठिन परिस्थितियों के साथ काफी समझदारी के साथ निपट रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता करने का ऑफर दे चुके हैं। हालांकि दोनों ही देशों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। चीन ने इसके साथ ही कहा है कि आगे एक नया कोल्ड वॉर शुरू होता है और भारत अमेरिका के पक्ष में जाने को तय करता है, तो ये चीन और उसके व्यापारिक रिश्तों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। अगर भारत अमेरिका का मोहरा बनना चुनता है तो इन दोनों पड़ोसी देशों के ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी काफी झटके झेल रही है पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। हम भारत को एक बार फिर सलाह देते हैं कि वो चीन के साथ अपने रिश्तों के बारे में स्पष्टता और गंभीरता से सोचे और आंतरिक राष्ट्रवाद की भावना के चक्कर में ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।